दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एमके सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज फिर हम एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के आए हैं, काफ़ी अच्छा चैप्टर होने वाला है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा, कृपया इसको लास्ट तक देखें। तो चलिए दोस्तों अब हम चैप्टर पर आते हैं, बात करते हैं UTI जिसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहा जाता है। अक्सर ऐसे तो सभी में पाए जाते हैं, लेडीज जेंट्स दोनों में, लेकिन अक्सर UTI का केसेस लेडीज में ज़्यादा पाया जाता है, लेडीज को ज़्यादा होता है। अब UTI क्या है? UTI दो प्रकार के होता है, एक लोअर और एक अपर। UTI लोअर ट्रैक इन्फेक्शन, अपर ट्रैक इन्फेक्शन, दो टाइप का ही होता है। तो अब चलिए दोस्तों आज हम 4-5 दवा इसके विषय में बताएंगे जो UTI के लिए काफ़ी बेस्ट दवा माना गया है। सबसे पहले यह महिलाओं में ज़्यादा पाया जाता है। महिला का यूरेथ्रल जो होता है, यूरेथ्रल में कई प्रकार की इन्फेक्शन के कारण यह होता है UTI। इन्फेक्शन क्या है? जैसे प्राइवेट पार्ट को साफ़ सफाई रखना, साफ़ सफाई करना, दूसरा चीज़ हाइजीन मेंटेन नहीं करना, और एक इकोलाई करके बैक्टीरिया आता है उसके वजह से भी होता है, और कई कारण है होने का, मे बी इसके वजह से UTI यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। तो दोस्तों आज हम इसी के विषय में बात करेंगे। तो UTI के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन जो है, जैसे यहाँ क्या है, लोअर एब्डोमेन में पेन आ रहा है या यूरिन पास करने आप जा रहे हैं, यूरिन पास करने में आपको काफ़ी बर्निंग का सामना करना पड़े, ड्रॉप यूरिन हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा मेडिसिन कैंथेरिस माना गया है। कैंथेरिस 3 to 4 टाइम आप लेंगे डायरेक्टली ऑन टंग, तो वह समस्या आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। दोस्तों दूसरी दवा है एपिसमेल 30 में, उसमें भी जैसे यूरिन करने आप जा रहे हैं, यूरिन फ्लो में हो रहा है, छोड़ रहा है, थोड़ा हल्का हल्का बर्निंग और पेन कर रहा है, तो उसके लिए एपिसमेल काफ़ी अच्छा दवा है। इसमें से भी 2-2 बूंद 3-4 बार लिया जाए। तीसरा दवा दोस्तों इसके लिए, जिनको एक्चुअल इन्फेक्शन तो है ही, यहाँ लोअर एब्डोमेन से लेकर के बैक में पेन जाए, उसके लिए काफ़ी अच्छा मेडिसिन माना गया है बर्बेरिस बल्गेरिस की। हाँ, उनका थोड़ा किडनी का भी शिकायत हो तो उससे रिलेटेड यह काफ़ी, माने यहाँ से लेकर के अपर से लोअर की तरफ पेन जाए, तो इसके लिए बर्बेरिस बल्गेरिस की मर्डर टिंचर में काफ़ी अच्छा माना गया। इसमें से 15 to 20 ड्रॉप्स विद सम वाटर 3 बार लिया जाए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों चौथा मेडिसिन सरसा परीला, वो भी काफ़ी अच्छा मेडिसिन है, जिनको प्रोस्टेट से लेकर के और यूरिन में ये हो उसके लिए काफ़ी अच्छा मेडिसिन सरसा परीला माना गया है। ये भी 30 में ले, या मर्डर टिंचर भी ले सकते हैं लेकिन 30 में ले। इस टाइप से दोस्तों पांचवा मेडिसिन काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है इसके लिए, उसमें क्या है जो आपको काफ़ी पेन, बेचैनी ये सब समझ में आएगा, और दूसरी चीज़ है जो अभी जिस महिला को शादी हुआ हो और उनको UTI हो रहा है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, तो उनके लिए बेस्ट मेडिसिन स्टेफेसेगिरा 30 है, उसमें से वो अपना 2-2 ड्रॉप 3 बार ले। इसके साथ दोस्तों और कई सारा मेडिसिन आता है और एज पर नीड्स और सिम्टम्स के हिसाब से इसको दिया जाता है, तो या तो ये ले और नहीं तो अपने नियरेस्ट डॉक, जिस भी शहर में आप रह रहे हैं वहाँ के डॉक्टर से एडवाइस करके ही दवा ले। तो इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो सर लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद जय भारत।